हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर जो एसबीआई बैंक का रिवार्ड्स स्कीम है, यानी कि रिवार्ड्स स्कीम एसबीआई ने जो स्कीम बना रखी है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं या डेबिट कार्ड से आप किसी तरह की कोई परचेजिंग करते हैं तो आपको उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है कि आप वो ये जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं आप इसका किस तरीके से रिडीम करा सकते हैं, यानी कि आपके जैसे 14,000 पॉइंट है, 15,000 पॉइंट है। तो मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बनाया है कि जो मेरे 1400 पॉइंट है तो मैंने अपने एक 10 रुपये का जो मोबाइल का रिचार्ज मैंने किस तरीके से किया बिना पेमेंट करे, और मेरे जो पॉइंट थे उसी से मेरा अमाउंट एडजस्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये मेरा छोटा सा डेमो वीडियो है। फ्रेंड्स, आपके सामने योनो ऐप खुला हुआ है, इसमें आप अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको सबसे आखिरी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, माई रिवार्ड्स। माई रिवार्ड्स पे आपको रिडीम नाउ पर सेलेक्ट करना है, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, फिर आपके आगे एक नया इंटरफेस खुल जाएगा योनो ऐप के अंदर ही। तो आपको उसमें पता चलेगा कि आपके कितने रिवार्ड्स पॉइंट हैं और आप उनको कहाँ कहाँ रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अपना रिडीम करना चाहता हूँ, मैं इसमें अपने मोबाइल का प्रीपेड मोबाइल नंबर लिखूंगा, फिर मैं ऑपरेटर सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं अपना सर्कल सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सर्कल सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना जो भी मुझे टॉक टाइम ऐड करना है, जैसे मैं 10 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, मैं 10 रुपये सेलेक्ट करके प्रोसीड आगे करूंगा। प्रोसीड आगे करने के बाद मेरे पास कंफर्मेशन विंडो आएगी जिसके अंदर मुझे बताया जाएगा मैं कितने पॉइंट रिडीम करूंगा 40 पॉइंट 10 रुपये के लिए। फिर सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक ओटीपी आएगा, मुझे वो ओटीपी एंटर करना है। एंड ओटीपी एंटर करने के बाद मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि मेरा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपके सामने एक ये आ गया कि ये आपका अमाउंट सक्सेसफुली हो गया है, ग्रीन कलर का ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो आप इस तरीके से अपने पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो बनाया है एसबीआई के लिए, एसबीआई की कुछ वेबसाइट्स वगैरह जो ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स हैं उन सबको लेकर। तो मैंने ये सब चीज़ें रेफरेंस करी हैं, कई बार टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है तो उस हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी एक कोशिश है कि मैंने जो जितने भी ये वीडियो बनाए ये सब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के वीडियोस है, यानी कि मैं देखता हूँ, मैं खुद एसबीआई में मैनेजर हूँ, मैं देखता हूँ लोग बाग परेशान होते हैं सिर्फ नॉलेज गैप की वजह से। जो काम वो बड़ा ईजीली कर सकते हैं ऑनलाइन या नॉलेज अगर उनको हो, लेकिन वो उसके लिए वो परेशान होते हैं ब्रांचों में। तो मेरी एक ये छोटी सी पहल है, एक छोटी सी कोशिश मैंने करी है जिससे कई लोगों का कुछ दर्द कम हो जाए। अगर मेरा वीडियो देख के किसी को कुछ नॉलेज हो जाए या किसी तरह उसकी नॉलेज बढ़ जाए और जितना जो सफरिंग जो उसको होनी थी वो अगर मैं कुछ रिड्यूस कर पाऊँ तो मेरे लिए इससे अच्छा मैं मानता हूँ कि मैंने वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।